हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप कैंपस अगेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा वीडियो का। स्टेप कैंपस एक ऐसा चैनल रहेगा जहाँ पे आपको मैं आईटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एप्टीट्यूड और कोडिंग की वीडियोस डालूँगा, जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन करके आईटी करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या TCS अपने एम्प्लॉइज़ को कॉल बैक करेगा या अपने TCS अपने एम्प्लॉइज़ को क्या 1 जनवरी 2022 से बुला रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह ये पढ़ने को मिला है, देखने को मिला है कि क्या TCS कंपनी बुला रही है अपने एम्प्लॉइज़ को। तो आफ्टर कोविड देखा जाए तो बुला भी रही है, बहुत सारी कंपनीज केस हो गए, 50% 80% एम्प्लॉइज़ वर्क करने लगे हैं कंपनी से। तो TCS का हम जानते हैं कि TCS क्या चाहती है। तो देखिए, अगर मैं इसे बात करूँ तो फुल्ली पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो तीन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, है ना, प्रैक्टिकली तीन चीज़ें समझेंगे जिस कारण से ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार में सारे एम्प्लॉइज़ को TCS कॉल करेगी या TCS अपने एम्प्लॉइज़ को बुलाएगी। तो देखिए, पहला चीज़ क्या है, पहला है कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट किस पे हो। अगर मान लो कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पे हो जो कि इंटरनली आईटी काम कर रही है, तब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हो, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तब आप जा सकते हो। बट अगर आप इंटरनल हो, अगर इंटरनली कुछ कर रहे हो और आपके सुपरवाइज़र, आपके लीड वगैरह जो इंटरेक्ट कर रहे हैं सीधे क्लाइंट से, तो आप शायद वहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ करना मतलब नहीं रहेगा। तो ये पहला पॉसिबल केस है। दूसरा पॉसिबल केस क्या बोलते हैं कि जैसा कोविड रहा इंडिया में, है ना, तो अभी आने वाले जो मंथ्स है, है ना, जैसे हम थर्ड वेव की बात करें तो आने वाले जो मंथ्स है उसमें हम अभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 2 मंथ्स कैसे होंगे। हो सकता है कि वो थर्ड वेव हुई हो जाए, आ जाए। तो अभी फ़िलहाल जनवरी तक पॉसिबल नहीं है कि कंपनी बुलाए। हाँ, आफ्टर जनवरी, मिड ऑफ जनवरी या आफ्टर जनवरी फरवरी से मार्च से मे बी कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को कॉल करे, बट जनवरी तक मुझे अभी नहीं लग रहा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझेंगे कि TCS ने क्या किया कि अभी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे ना, उन्हें डेस्कटॉप दिया गया। अब क्या था कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना था तो एक स्टेबिलिटी चाहिए थी घर पे, जहाँ पे रह के काम कर सके, तो बहुत लोगों को डेस्कटॉप बांटा गया था। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो डेस्कटॉप उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है अपने घरों में, अब अगर वो ऑफिस जाते हैं तो वो उनका रिप्लेसमेंट करना होगा, लैपटॉप लेना होगा, क्योंकि आप ऑफिस जाओगे तो ऑफिस में आप काम करोगे, फिर आप वो एसेट को लेके आप अपने घर भी जाओगे। तो दिक्कत अब ये आ जाएगी कि अब सारे चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा, सारे डेस्कटॉप को रिप्लेस करना पड़ेगा लैपटॉप में, है ना। बहुत लोगों को लैपटॉप भी मिला है, ये मैं नहीं कह रहा कि सभी को डेस्कटॉप मिला है, बहुत को लैपटॉप मिला है। इवनली आई एम वर्किंग विद माई लैपटॉप, तो लैपटॉप भी मिला है बहुत लोगों को, बट डेस्कटॉप भी एक चैलेंजिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अभी अगर सिचुएशन की बात करें TCS का, कोविड के समय में बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा कि आप वापस से फिर से इन्वेस्टमेंट करें और बाकी सभी को रिप्लेस करवाएं डेस्कटॉप टू लैपटॉप। तो ये तीन पॉसिबल चीज़ें हैं जिस कारण से मुझे लग रहा है कि जनवरी 2022 में ना बुला के आई थिंक फरवरी या मार्च के आसपास बुलाएं, ताकि सारी चीज़ें को वो बीच में कवर कर सके। तो आई थिंक आपको ये आंसर पसंद आया होगा, ये एक प्रेडिक्शन आंसर, ये कोई ट्रू नहीं है, मैं कोई कंपनी के बिहाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस एज अ प्रेडिक्शन आंसर है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बिग हार्ट टू माई ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।